हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने फ़ोटो को बैकग्राउंड में कैसे मैच करते हैं, वो भी सही तरह से। दोस्तों अगर आपको एडिटिंग सीखना है, बैकग्राउंड से फ़ोटो को मैच करना और एडिटिंग सही सीखना, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप करके देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को छोड़ के आप जा सकते हैं। अगर मेरी माने तो इस वीडियो को पूरा देखें और फ़ोटो बैकग्राउंड में अच्छे से एडजस्ट करना सीखें। दोस्तों मैं आपको यही सलाह देता हूं। दोस्तों चलिए, मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया है, हम फ़ोटो को अपने अच्छे से एडजस्ट करना सिखाता हूं। तो अगर आप ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक ट्यूटोरियल की वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमें ऐड फोटो में चले जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद दोस्तों हमें जो इस पर फोटो लगाना है उसे हमें लेके आना है। दोस्तों मैं ये फोटो लाऊंगा, इस पर टैप करके यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों इस तरह से ऐड कर लिया। दोस्तों इसका बैकग्राउंड इरेज करने के लिए दोस्तों हमें कटआउट वाले ऑप्शन पर जाना है। इसके बाद हमें अपने फ़ोटो के साइटों से इस तरह ड्रॉ कर देना है। दोस्तों हमारा फ़ोटो कटआउट हो जाएगा दोस्तों इस तरह से। इसके बाद हमें इस वाले आइकन पे एक बार टैप कर देना है। दोस्तों टैप करने के बाद दोस्तों हमारा कटआउट हो रहा है। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों हमारा जो रेड कलर है वो पूरे फ़ोटो के ऊपर आ गया। जहाँ से नहीं आया आप इस ब्रश से कर सकते हैं आसानी से, और जहाँ गलत हो जाए उस इरेज के आइकन पर मार के आप यहाँ से हटा सकते हैं उसे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्किप करके मैं अच्छे से कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने फ़ोटो के ऊपर पूरा कलर कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे मार देना दोस्तों। इसके बाद आपका फ़ोटो इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों मैंने जल्दी में कटआउट करा, आप अच्छे से टाइम दे के कटआउट करना। दोस्तों इस तरह ला के आपको फ़ोटो तो इस तरह से एडजस्ट करना। दोस्तों यहाँ पे ला के आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, मगर इतना ही बड़ा करना ताकि फ़ोटो जचे, हाँ बैकग्राउंड में ही है, ज़्यादा ओवर ना करें दोस्तों और ज़्यादा नीचा भी ना करें। दोस्तों आपको हिसाब से रखना है। दोस्तों मैं इतना रख लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक बार टैप करके राइट पे इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपको चले आना है इस टूल्स के आइकन पे और एडजस्ट में चले आना। दोस्तों इसके बाद आपको कंट्रास्ट में आ जाना है। इसके बाद दोस्तों जो कंट्रास्ट है इसका, इसे आपको थोड़ा बढ़ा देना है। हम यहाँ पर अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर रहे हैं बैकग्राउंड में। इसके बाद आ जाना आपको सेचुरेशन है, उसे आपको थोड़ा बढ़ा देना। जो हाईलाइट है उसे आपको थोड़ा सा बढ़ा देना। इसके बाद शैडो है, जो शैडो उसे आपको थोड़ा सा कम रखना है। उसके बाद टैंप है, आपको उसे दोस्तों सबसे मेन हमारा टेम्परेचर है। आप अगर आपके बैकग्राउंड में नीली टोन है तो आप नीला कर सकते हैं, ऑरेंज टोन है तो ऑरेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊँगा दोस्तों अगली बार। तो दोस्तों हम अपने बैकग्राउंड में ये वाली टोन देना चाहते हैं ऑरेंज, तो हम ऑरेंज टोन रखना चाहते हैं, तो हमें इस तरह थोड़ा ऑरेंज कर देना है इसे। इसके बाद हमें इस तरह से एडजस्ट कर देना है ऊपर से और राइट कर देना है। राइट करने के बाद दोस्तों हमें इस पे एक हेयर पीएनजी लगा। ये देखो दोस्तों मैं हेयर पीएनजी ले आया। इसके बाद आपको इसे लगाने का तरीका बता देता हूँ। दोस्तों आपको अपने फ़ोटो को जूम कर लेना है जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ला के इसे अच्छे से ला के एडजस्ट कर देना दोस्तों, जिस तरह मैं कर रहा हूँ दोस्तों इसी तरह से आपको कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको इसे लगा कर सेव नहीं करना है, आपको इस पर इरेज के आइकन पर चले जाना है। इरेज के आइकन पर जाकर दोस्तों आपको इस साइड नीचे की साइड इरेज करना है दोस्तों, ताकि हमारा जो हेयर है वो इस पर अच्छे से एडजस्ट हो जाए, ताकि लगे हाँ रियल हैं। इस तरह देखो दोस्तों लगने लगे। इसके बाद हमें ऊपर से राइट कर देना है और इसे हमें कर देना डन। इतना काम हो गया दोस्तों। इतना काम करने के बाद हमें इस पर एक टैक्स पीएनजी लगाना। दोस्तों मैं ले लेता हूँ अपना चैनल का लोगो। दोस्तों अगली वीडियो में आपको लोगो बनाना सिखा दूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैं अपने चैनल का लोगो ले आया हूँ। दोस्तों अगली वीडियो में आपको इस तरह के लोगो बनाना सिखा दूंगा दोस्तों। तो हमें यहाँ पे लाके इसे अच्छे से लाके एडजस्ट कर देना। आपको ब्लेंडिंग मोड में जाना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसे अच्छे से एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर सेट कर देना है। इतना काम होने के बाद दोस्तों आपको इस पर नीचे की साइड में हमारा फ़ोटो अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, इसके लिए आपको एक ब्लैक स्मोक पीएनजी लगाना। दोस्तों ऐड फोटो में जाकर उसे ले आता हूँ। दोस्तों वीडियो को स्किप करके ले आता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। ये देखिए दोस्तों मैं ले आया हूँ। दोस्तों इसे डाउनलोड करके आप रख लें और इसे हर फोटो में अपने लगाया करें, इससे फ़ोटो हमारी बहुत बढ़िया हो जाती है। दोस्तों इसे इस तरह से खींच के आपको बड़ा कर देना है, इससे नीचे की साइड में इस तरह लगा देना है। आपको ब्लेंडिंग मोड में जाके इसे मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से दोस्तों। इसके बाद इसकी ओपोसिटी आपको अपने हिसाब से रख लेना है। इसके बाद इसे डन कर देना दोस्तों। हमारा फ़ोटो
हमारा फोटो में इतना काम हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको इफेक्ट में चले जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको HDR में आना है। जो HDR है उसे भी आपको बढ़ा देना है दोस्तों, इससे हमारे फ़ोटो का एडजस्टमेंट अच्छा हो जाएगा दोस्तों। इस पर एक बार HDR पर आपको एक बार टैप कर देना है दोस्तों। इसके बाद अनसार पर जो उसे आपको कम कर देना है दोस्तों इतना। इसके बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो पिक्सार्ट में ही इतना अच्छे से एडजस्ट हो गया दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमारा पिक्सार्ट में ही इतना बढ़िया एडजस्ट हो गया दोस्तों। आपको और दूसरे ऐप में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज यही सीखना था। तो दोस्तों आपको मैंने फ़ोटो एडजस्ट करना सिखा दिया पिक्सार्ट में। ये देखिए दोस्तों ऐसा लग रहा है हमारी फ़ोटो यहीं पर। ये देखो दोस्तों कितनी बढ़िया पिक्चर बनी है हमारी कटी HD में दोस्तों। आप देख सकते हैं इसे कितनी बढ़िया पिक्चर बनी है दोस्तों हमारी। आप इसे देख सकते हैं बिल्कुल HD में दोस्तों। बैकग्राउंड और फ़ोटो को मैच करना आ गया होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी फ़ोटो बनी है दोस्तों। और अगली बार दोस्तों मैं ऐसी टिप्स ट्रिक ले लेके आता रहूँगा दोस्तों। इस वजह से दोस्तों आपको एडिटिंग सही से नहीं आती दोस्तों, तो मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लेके आता रहूँगा दोस्तों। तो ऐसी ट्रिक और टिप्स देखने के लिए और ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।